रायसेन जिले में जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से प्रधानमंत्री आवास में शराब की दुकान खोलने का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पठारी का है, जहां आबकारी विभाग ने सभी नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी। और इतना ही नहीं, जिस भवन में वो कलावी संचालित है वहां पीएम आवास है, जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी है। सड़क सुरक्षा नीति की यदि बात करें तो नीति में शराब दुकानों के लाइसेंस हाईवे से 100 मीटर दूर ही देने का प्रावधान है। साथ ही जहां 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानें हैं उन्हें हटाने का भी प्रावधान है। वहीं जब इस मामले में जिला मुख्यालय पर आए स्वास्थ्य राज्य मंत्री नवीन पटेल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध अगर दुकान खुली है तो कार्रवाई की जाएगी। आपके द्वारा बताई गई जानकारी के बाद मैंने मामला संज्ञान में लिया है, दोषियों को अब बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरे को ये सूचना आप ही मीडिया बंदियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी, उसमें आबकारी विभाग के संज्ञान में ये मामला आ गया है। तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो आबकारी विभाग के हों, चाहे जिसने किराए से दिया है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है।